हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। इसमें हमें क्या करना है इस टाइप के इस क्वेश्चन में कि जो ये एंगल्स दे रखे हैं, ये नंबर जो 67 हमें दिख रहा है 75, इसको 45 से कम करना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है ये। पहला क्वेश्चन, साइन 67 प्लस कॉस 75, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 67 के बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 23, 90 में से 23 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 67, प्लस कॉस 75 के बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 15। ठीक है, ऐसे करने से क्या हुआ, ये फॉर्मूले में फिट हो गया। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 23, और कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 15। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये जो नंबर 67 और 75 था वो 45 से छोटा हो गया। और हमें यही करना था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल लाइंग बिटवीन 0 से 45 के बीच में हमें लेके आना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, कॉट 65 प्लस 1049, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। कॉट 65 के प्लेस पे लिख सकते हैं 90 माइनस 25, और प्लस 1049 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 41। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन 25 हो गया, और टेन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो गया कॉट 41। ठीक है, दोनों ही नंबर क्या है 45 से कम हो गए। इसके बाद थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। चाहे अच्छा, इसको इरेज कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, sec 78 प्लस cosec 56। ठीक है, तो sec 78 के बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 12, और प्लस cosec 56 के बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 34। ठीक है, 16। ठीक है, तो sec 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cosec थीटा, तो cosec 12 बन गया, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो ये बन गया sec 34। तो दोनों एंगल 45 से कम हो गए। इसके बाद लास्ट पार्ट फोर्थ, इसमें है cosec 54 प्लस sin 72, तो cosec 54 के बदले हम लिख सकते हैं 90 माइनस 54 के बदले क्या लिखेंगे, 54 और 6 60 36, 90 माइनस 36 प्लस साइन 72 के बदले 90 माइनस 18, 90 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा, तो ये बन गया सेक 36, और साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस 18। तो इस तरीके से दोनों ही एंगल 45 से कम हो गए। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, और ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।